ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। जैसा हम सभी जानते हैं आज क्लास नंबर सेकंड है, तो क्लास और डेट ये हमेशा की तरह लिखना है। चलिए जरा एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़ा प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कब स्केचिंग सिखा दिया था, सारी बातें बता दी थी, बट आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज वाली क्लास जो है वो बेस है इस चैप्टर का। और हाँ, एक क्वेश्चन समझ लो ना तो पूरा चैप्टर कर सकते हो रियली, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक जैसा है। चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहानी है। क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड लाइन x इक्वल टू 1। आपको बता, और एक लाइन और है x इक्वल टू 4, आपको बताना है एंड द x एक्सिस। देखो जरा ध्यान से, मैं यहां पे लिख रहा हूं, हमारे पास जो कर्व है, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं, नोट तो सभी करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं साथ के साथ नोट करो, बाद में टाइम नहीं देंगे नोट करने का, ठीक है। देखो कर्व, कर्व हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू x, जानते हो ये क्या है, क्या है, पैराबोला। और क्वेश्चन में लाइंस दे रखी हैं आपको, क्या दे रखी हैं, लाइंस। चलो जरा लाइंस देखते हैं, लाइंस कौन सी है। एक लाइन तो आपको बता रखी है x इक्वल टू 1 की, और एक दूसरी लाइन दे रखी है x इक्वल टू 4 की। क्या दे रखी है जी, x इक्वल टू 4 की, और साथ में बोलते हैं x एक्सिस। x एक्सिस का मतलब जानते हो, इसका मतलब है y इक्वल टू क्या है, 0। ये बात जरा ध्यान देना, मतलब अभी मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, अभी जो भी चीजें हैं सिर्फ उसको लिखी है। क्वेश्चन में y इक्वल टू x, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, x एक्सिस दैट इज y इक्वल टू 0, इनके बीच का आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। चलो देखते हैं आगे, आप चलो जरा कर्व बनाते हैं। यहां पे देख रहे हो कि y स्क्वायर इक्वल टू x है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। अगर ये पैराबोला है तो इसका मतलब है जब आप कर्व स्केच करोगे तो कर्व में पैराबोला किधर की तरफ बनेगा, ऐसे ही होगा जी, हां या ना, ओके। इसकी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू x, ये लिखनी जरूरी है। बाद में एक आपको बताई गई है लाइन भी आपके पास, लाइन कौन सी है पता है, लाइन कहता है x इक्वल टू 1 की लाइन, हा या ना जी, x इक्वल टू 1 की लाइन। चलो मान लेते हैं x इक्वल टू 1 की लाइन मेरी ये है, और एक लाइन बता रखी है इसने x इक्वल टू 4, ये सीधी सीधी लाइन होती है। इसका मतलब ये है कि यहां पे 1 है और यहां पे क्या है, 4 है, और आपको इनके बीच का एरिया निकालना है, आपको इनके बीच का एरिया निकालना है। सवाल ये उठता है कि यार ये एरिया निकलेगा कैसे। सबसे पहले तो कर्व ठीक से बनाना, कर्व में गलती नहीं होनी चाहिए। x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4, और ये एरिया निकालना है, ये जो शेडेड एरिया है, मैं शेड कर देता हूं इस एरिया को। ध्यान से देखो, ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला एरिया आपको चाहिए। क्वेश्चन में बोला है कि ये वाला एरिया आपको चाहिए, हेलो, ठीक है। तो ये वाला एरिया आप कैसे निकालोगे, इस एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूं, कहते हैं ध्यान हटी और आवाज नहीं आई जी, दुर्घटना घटी। ध्यान से देखो, कभी भी जब हम एरिया निकालते हैं तो कर्व के नीचे का एरिया आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि कर्व को मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो इसका एरिया निकालना है अगर हमें, इस वाले का। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड, कर्व तो सबने बना लिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ, ये रिक्वायर्ड एरिया, बस आपको जो निकालना है वो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। सवाल ये उठता है कि रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालें। देखो, मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं, ये जो 1 और 4 है वो कौन से एक्सिस के थ्रू है बताओगे मुझे, आवाज नहीं आई जी, एक्स एक्सिस के थ्रू है। तो 1 और 4 एक्स एक्सिस के थ्रू है, तो 1 से लेकर 4 तक ये जो कर्व है ना, इस कर्व को इंटीग्रेट कर देता हूं। तो मैं यहां पर लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन
1 to 4, कौन से एक्सिस के थ्रू 1 और 4 है? ये 1 और 4 कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? आवाज नहीं आई जी, एक्स या वाई? तो यहां पे लिखेंगे डीएक्स। क्या लिखेंगे जी? डीएक्स। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो आप यहां पे ले रहे हो अपर एंड लोअर लिमिट, उसी के अकॉर्डिंग यहां पे डिसाइड किया जाएगा कि क्या लेना है, डीएक्स या डीवाई, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये एक्स है तो इसका मतलब यहां पे जो वेरिएबल होगा वो एक्स के टर्म्स में होगा। ये जो कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? एक्स। तो यहां पे अगर कर्व की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वाई की वैल्यू क्या होगी? रूट एक्स। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे रूट एक्स। हेलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी जी? ये समझ में आया सबको? तो ये कैसे आया है दोबारा ढंग से समझ लो, पहली बार एंड लास्ट टाइम बता रहा हूं, इसके बाद दोबारा कभी नहीं बताऊंगा ये कैसे ले रहे हैं। हमने यहां से 1 to 4 इंटीग्रेट किया इस वाले कर्व को, तो जब भी कभी इंटीग्रेट करोगे तो ये यहीं तक आएगा, 1 to 4 नीचे का एरिया नहीं निकलेगा, 1 to 4 इंटीग्रेट होगा ये वाला कर्व। तो हमने यहां पे इंटीग्रेट कर दिया 1 to 4 उस वाले कर्व को डीएक्स। डीएक्स इसलिए लिया क्योंकि 1 और 4 जो है वो एक्स एक्सिस पे है, इसलिए डीएक्स। और ये डीएक्स है तो ये एक्स के टर्म्स में होना चाहिए, इसलिए जो कर्व दे रखा है उसको हमने एक्स के टर्म्स में निकाला क्या, तो वाई की वैल्यू निकाली। अगर सीधा सीधा मैं आपको बोलू ना, सीधी सीधी बात देखो, सीधी सीधी अगर बात बोलूं तो आप कह सकते हो ये y की वैल्यू लिखनी है आपको यहां पे। किसकी वैल्यू लिखनी है? y की। मतलब यहां पे dx है तो y की वैल्यू लिखनी है, अगर dy है तो x की वैल्यू लिखनी है। इसके बाद तो मेरा और आपका खत्म, इसके बाद मेरा और आपका कोई साथ नहीं है, बट फिर भी क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, मैं बता देता हूं। एक्स का रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकालोगे, मतलब एक्स की पावर हाफ ना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 3/2 upon 3/2। हेलो, आवाज नहीं आई जी? ये और कहां से कहां तक लिमिट क्या है इसकी? 1 to 4। आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/3, और इसको आप रहने दो। इसके बाद हम इसको ना बाहर ही रख लेते हैं, जो 3/2 है 2/3 आ जाएगा। 4 की पावर 3/2 माइनस, यहां पे पुट करोगे तो 1 की पावर 3/2। 2/3 या 3/2? तो 2/3 क्यों बोल रहे हो? चलो जी, यहां तक क्लियर? कोई डाउट? आवाज नहीं आई जी, कोई डाउट? कहां खो जाते हो जी? इसके बाद सॉल्व करोगे, मैं देखता हूं ये फ्रैक्शन कई बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, क्या करें यार, छोटी छठी सातवीं क्लास में ना हमने पास होना सीखा बस, कि पास हो जाए, हे भगवान तू मुझे पास करा दे, मैं 5 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा तेरे को, और इसलिए पास हो गए। यहां देखो, ये 2 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या? आवाज नहीं आई जी? माइनस 1, 1 की पावर जितनी मर्जी लगा दो 1 ही होता है। इसके बाद सॉल्व करोगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करोगे यहां पे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3। क्या आएगा यहां पे? 2/3। और इसको सॉल्व करोगे तो 2 की 3 कितना? 8 माइनस 1। इसका मतलब है सॉल्व करोगे तो 2/3 इंटू कितना? कितना? 7। आगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा जी? ये 14/3। यहीं तक नहीं छोड़ेंगे, आप आंसर जब लिखेंगे तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, इसलिए आपको स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है। अगर आप स्क्वायर यूनिट नहीं लिखते हो तो इस बात के लिए आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे, पहली बात ये लो जी। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट सी थिंग ये है कि ये कर्व बनाना कंपलसरी है। सर बिना कर्व के नहीं कर सकते? कर लो, कोई बात नहीं, कर्व नहीं बनाओगे, एक नंबर सीधा फ्लैट काट दिया जाएगा। कर्व नीट एंड क्लीन बनना चाहिए, पेंसिल से कर्व बनाओगे? पेन से नहीं, सही तरीके से बनाओगे, बनाओगे फ्री हैंड, ये जो लाइन है लाइन खींचोगे स्केल से, बाकी फ्री हैंड से, समझे जी? उम्मीद करता हूं साथ के साथ आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। ओके, नहीं कर लिया तो समझ लिया होगा, आप घर से ही कर सकते हो इसको।
देखो जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर कौन सा एक सेकंड है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट बी नोटेड, यहां पे बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, साफ साफ बता दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसमें जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं कहता हूं इसे अपने आप करके लेके आना जी, ठीक है। देखो यहां पे मैंने वैसे करके बताया हुआ है, लेकिन इसे अपने आप करके लेके आओगे, ठीक है जी। ये आपके पास पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, ये यहां पे लाइन की इक्वेशन दे रखी है, पैराबोला एंड लाइन की हेल्प से। ये पैराबोला इधर की तरफ बनेगा, ये लाइन बनेगा, सेम 2 to 4 इंटीग्रेट करना है, सेम, कोई भी फर्क नहीं है, डिजिट फर्क है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, जरा उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हाल चाल जी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी सेम एज फर्स्ट है, देख लेते हैं हम यहां पे क्या सिचुएशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह सकते हो सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, डू योर सेल्फ, अपने आप करना है जी। ओके, पढ़ा देता हूं मैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। इस वाले क्वेश्चन में पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, हेलो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और किसकी इक्वेशन दे रखी है, लाइन की, लाइन दे रखी है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, y एक्सिस दैट इज x इक्वल टू 0। ऐसी सिचुएशन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसका मतलब y ऊपर की तरफ बनेगा। देखो ये कर्व मैंने बना लिया यहां पे, ये ऊपर की तरफ बन गया। y इक्वल टू 2 की लाइन, तो y इक्वल टू 2 की लाइन ये रही, y इक्वल टू 4 की लाइन ये रही, क्लियर है जी। अब सवाल ये उठता है मुझे इंटीग्रेट ये वाला एरिया निकालना है, भाई ये वाला एरिया तो ऐसे निकलेगा नहीं, इस वाले एरिया को बोला है यहां पे एंड y एक्सिस, मतलब यहीं तक का एरिया निकालना है आपको। ये वाला एरिया निकालने के लिए जैसे कि मान लो कर्व आपका अगर सीधा बना, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो, तो आपने क्या करना है, जब भी कभी इंटीग्रेट करेंगे तो या तो लेफ्ट टू राइट इंटीग्रेट होगा, या होगा बॉटम से लेकर टॉप के बीच में, बिलो टू अबव, ठीक है। ऐसे हम लोग जो लिमिट लेते हैं वो इसी तरीके से लेते हैं। तो यहां पे हम लोग लेंगे लिमिट 2 to 4, और इसके y एक्सिस के थ्रू ले रहे हैं 2 to 4, हेलो, अगर 2 to 4 y एक्सिस के थ्रू ले रहे हैं तो यहां पे आएगा डी वाई, यहां पे क्या आएगा जी, डी वाई, और y के टर्म्स में यहां पे वैल्यू होनी चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 y, भाई दे रखा है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2√y, और इसको सॉल्व करोगे, यहां तक मेरा साथ आपका, इसके बाद कोई साथ नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूं ये समझ में आ गया सबको, भाई 2 to 4 इंटीग्रेट करना है आपको इस पैराबोला को, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है हमारे को, क्या दे रखी है जी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 4 y, बस इसको आपको इंटीग्रेट करना है, और मैंने रूल सिखा दिया, या तो लेफ्ट टू राइट या फिर बिलो टू एबव। तो यहां पे बिलो टू एबव मतलब 2 to 4 इंटीग्रेट करेंगे इसको, और रूल मैं पहले ही बता चुका हूं, इसी रूल को फॉलो करना है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, साफ साफ लिखा हुआ है आपके पास इलिप्स है, क्या आपके पास इलिप्स है, इसकी इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये हमारे पास सिचुएशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, और बस यही है, और कुछ नहीं है, लाइन वाइन कुछ नहीं दे रखा। आपको बता दें ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, इलिप्स को हमने पीछे सिखाया था आपको, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलने के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, ये आपको लिखना पड़ेगा। कई बार मैं देखता हूं अगर आपने ये फॉर्म नहीं लिखा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, चल ये आ गया हमारे पास 4 का स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास कितना 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, कोई दिक्कत जी। अच्छा यहां पे अगर मैं बोलूं आपसे ए कितना है, कितना 4, बी कितना है हमारे पास 3, यहां पे कह सकते हो ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो इलिप्स कैसे बनाओगे जी। आपको बताया था मैंने कि मेजर एक्सिस इस केस में हमारा जो रहेगा वो एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस रहता है, कौन सा एक्सिस जी, एक्स एक्सिस हमारा मेजर एक्सिस रहता है,
तो इस केस में जो इलिप्स बनेगा वो कुछ यूं बनेगा। मान लो हमने यहाँ पे ये लिख लिया, ये हमारे पास 3 है और इधर 4 है, ये 4 और ये 3, ये ओवल शेप में बनेगा इस तरीके से। यहां पे हमारे पास पता है ये 4 है और ये कितना है, 3 है। हेलो। और आपको बताया गया है कि इसका एरिया निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ये वाला एरिया निकालना है। मतलब सिंपल क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये, आपको बता दें, ये एरिया निकालना है भाई। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा तरीका है, मुझे इतना एरिया निकालना है 0 to 4। एक बात और जरा पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। डियर यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिसका मतलब ये तो निकालना है, साथ में ये और ये चारों निकालने हैं। हेलो भाई, चारों निकालने हैं। सर आपको कैसे सपना आ गया चारों निकालने हैं, बोला तो यार बाउंडेड बाय इलिप्स, नहीं बोला क्या बाउंडेड बाय इलिप्स, तो आपको ये पूरा एरिया बताना है। बट ये पूरा एरिया ऐसे निकलेगा नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो है ये एक जैसा एरिया होता है, जो एक पार्ट है वही बाकी सारे पार्ट है। आलू देखा है आपने, अंडा देखा है, उसकी तरह है ये, तो एक पार्ट बाकी 4 पार्ट। तो अगर रिक्वायर्ड एरिया आपको निकालना है तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से देखो। रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको दोबारा से एक बार इलिप्स पे नजर डालनी पड़ेगी। इलिप्स क्या है, आपको इंटीग्रेट करना है ये 0 to 4, आप 0 to 3 भी ले सकते हो वाई एक्सिस के थ्रू भी, बट अगर बेहतर हो कि आप एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है ना, उसके थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो हम 0 to 4 इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये वाला एरिया चाहिए। तो ये 0 to 4, हेलो, 0 से लेकर कहां तक, 4 तक इंटीग्रेट करोगे एक्स एक्सिस के थ्रू। तो हम लिखेंगे यहां पे इंटीग्रेशन 0 to 4 और वो इलिप्स, लेकिन यहां पे लिखोगे क्या, ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अभी आपको। यहां पे लिखेंगे हम डी एक्स, क्या लिखेंगे, डी एक्स। क्वेश्चन में इलिप्स की इक्वेशन है आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू कितना, 1। प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहां पे y के टर्म्स में चाहिए, तो y की वैल्यू निकालोगे तो यहां पे वाई स्क्वायर अपॉन 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 लिख सकते हैं क्या। इसको अगले स्टेप में हम चाहें तो, आप सॉल्व कर ही रहे हैं तो इसको सॉल्व कर दें, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और मल्टीप्लाई में डिवाइड है ना इधर भाई, डिवाइड है ना इधर जी, तो ये मल्टीप्लाई में 9 आ जाएगा, आएगा किसके बराबर, वाई स्क्वायर के बराबर। तो वाई की जो वैल्यू हो जाएगी, ये रूट में लिखोगे ना, बट रूट में लिखोगे तो ये 9 का रूट तो 3 हो जाएगा, 16 का रूट 4, और ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत जी। तो ये जो वैल्यू निकाली है अभी अभी हमने, इस सब को उठा के हम यहां लिख देंगे, क्योंकि एक्स के टर्म्स में आ गया, किसके टर्म्स में आ गया जी, आगे मेरा कोई काम नहीं है डियर। अगले स्टेप में ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता हूं मैं, 3/4 में बाहर ले लूं, इसके बाद इंटीग्रेट कर दो 0 to 4, ये 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। हेलो, आवाज नहीं आई जी, गुड। ये अब ये कैसे आया, तो पीछे याद करो मैंने इंटीग्रेशन में आपको एक फॉर्मूले बताए थे, एक फॉर्मूला ये बताया था, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/8 टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है जी, ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स क्या होता है जी,
ये लास्ट तक जाते जाते सो जाते हो क्या? दोबारा से बोलो, इंटीग्रेशन वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? प्लस कॉन्स्टेंट। इसके बाद मैंने तीन फॉर्मूले ये बताए थे, इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है जी? इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? लॉग मोड एक्स प्लस रूट क्या प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये रूट में क्या होता है? वेरी गुड। और तीन फॉर्मूले यहां पे बताए थे, छह यहां पे, तीन यहां पे, टोटल नौ। इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट। इसी तरीके से दो फॉर्मूले, तो यहां पे जो अभी अभी हमने देखा वहां पे क्या था? फर्स्ट वाला, यही वाला लगेगा। तो आप ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे, यहां मेरा और आपका काम, मेरा काम खत्म हो जाता है और आपका काम शुरू होता है। इसके बाद मैं नहीं बता सकता, ये इंटीग्रेशन का काम है। हाँ, इससे पहले का काम जो है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। आपको बताते हैं सिचुएशन इसमें ऐसी है, इलिप्स इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। अभी एक बच्चा ना, अभी चार नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं और पूछ रहा है वो मुझसे कि सर अगर इसमें b बड़ा हो जाए a से तो क्या करेंगे? अरे भाई, अभी बताया तो था मैंने कि पहले जो कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं है हमारा, हमारा फोकस वो जो हमारे पास नहीं है उस पर है। ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है भाई, पहले जो बताया जा रहा है उसको सीख लो, दूसरी वाली चीज अपने आप आ जाएगी। और अगर 11th क्लास में आपने इलिप्स ढंग से सीखा होगा तो इसमें पूछने वाली बात बनती नहीं है। चलो, ये इलिप्स हो गया, इसको ठीक करके लिखोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहां पे अगर देखें तो यहां पे हम कह सकते हैं a कितना है 2, b कितना है 3, तो b इज ग्रेटर देन a। अगर b a से बड़ा है तो इस सिचुएशन में जो कर्व बनाओगे आप वो कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा जी, यहां पे a 2 है और b 3 है, a 2 है और b 3 है, तो a 2 और b 3, तो कर्व कुछ यूं बनाओगे। इच्छा पूरी हो गई बच्चे की? हाँ जी, गुड। ये 2 और यहां पे क्या है 3 है, और आपको बोला गया है पूरा सारे एरिया निकालने को सब। भाई ये सारा एरिया तो कैसे निकालोगे? एक अब ये सब निकालने के लिए ऐसा इंटीग्रेशन करना तो टिपिकल हो जाएगा, तो ये सारा एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक शेडेड पार्ट ले लेंगे जो भी है, जैसे ये लो आपके सामने, मैं इस वाले पार्ट को शेड कर देता हूं, ये वाला पार्ट जो है एक पार्ट शेड करते हैं हम लोग, ये लो जी ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट में ये 0 है, हा या ना? ये कितना है 2 है, तो हम क्या करेंगे 0 to 2। सर y एक्सिस के थ्रू भी ले सकते हैं? अरे भाई बताया तो सही अभी कि y एक्सिस के थ्रू भी ले सकते हो, तो 0 to 2 इंटीग्रेट कर दो किसको, किसको? इलिप्स को। तो रिक्वायर्ड जो एरिया होगा वो इसमें होगा 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to कितना 2, 0 to 2 यहां पे लिखेंगे dx, और इक्वेशन जरा बता दो, निकालना पड़ेगा भाई। इक्वेशन क्या बताया? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। किसकी वैल्यू निकालनी है यहां पे? y की। किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। तो अगर वाई स्क्वायर अपॉन 9 ये रखो तो 1 माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, यही आएगा अगले स्टेप में जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई में 9 किसके बराबर, वाई स्क्वायर के बराबर, यही आएगा। और लास्ट में जब ये हमारे पास आ गया, इसके बाद फाइनली y की जो वैल्यू है वो आएगा 3/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर किस में जी, रूट में, ये लो। तो ये हम y के टर्म्स में जो निकाला है ये लिख लेंगे। सर यहां पे y के टर्म्स में नहीं लिख सकते क्या, इधर dx रहे और y के टर्म्स में। अच्छा जी, बारात में आ रहे हो आप लोग, जब इंटीग्रेशन सिखाया था तभी बता दिया था यहां पे x है तो यहां पे x के टर्म्स में होना चाहिए, समझे। इसके बाद यार अपने आप करना है, यह आपका काम, तो ये नोट करने की जरूरत नहीं थी। आपको बता दें ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, तो डू अपने आप करना बनता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं जो आपको नोट करने की जरूरत पड़े। ठीक है जी, मजा आ गया और कैसा लगा। चलो जरा एक 6 नंबर क्वेश्चन भी है हमारे पास, जरा 6 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, एक कर्व दे रखा है x इक्वल टू √3y और सर्कल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है जी, सर्कल दे रखा है, क्या ट्राई करके ला सकते हो इसे घर से, हेलो। तो मैं चाहता हूं जरा एक बार आप ट्राई करके लाओ, ठीक है, फिर देखेंगे आगे के क्वेश्चंस क्या आप कर सकते हो या नहीं। चलो मैं एक काम करता हूं, इस वाले क्वेश्चन को होम फन में देता हूं, होम फन में जरा लिखिए। मैं चाहता हूं कि आप एक काम करो, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 13, चलो यार 1 to 5, अभी 1 to 5 ये, और कुछ बच्चे जो 6 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन ट्राई करके लेके आएंगे तो अच्छा लगेगा, खुशी होगी। सर आपको तो खुशी होगी, हमें तो दुख होगा। अरे भाई कर सकते हो यार, 1 2 3 एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 और 4 और एक एग्जाम्पल 5, ये 5 एग्जाम्पल और बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करके लेके आना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। ओके जी, मजा आ गया। चलिए उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।